उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है। सभी प्रत्याशी जगह जगह जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इस बीच भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार आम्रपाली दुबे भी जनता के बीच पहुंची और बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार आम्रपाली दुबे गाना गाकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। मंच से गाना गाकर जनता से निरहुआ के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही हैं। वहीं वी न्यूज की टीम से खास बातचीत करते हुए आम्रपाली दुबे ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वी न्यूज की टीम आ गई है आजमगढ़ में, जहाँ पर लोकसभा 69 आजमगढ़ सदर क्षेत्र से दिनेश लाल निरहुआ जी खड़े हुए हैं। क्या राय है उनके समर्थन के लिए? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे जी आई हुई हैं, क्या कुछ लग रहा है मैम इस बार? इस बार पूरा आजमगढ़ भगमामय है, यही दिख रहा है हमको। सब जगह आजमगढ़ में लोग कमल खिलाने को तैयार है और यही हो रहा है, भारी बहुमत से दिनेश जी विजयी बन रहे हैं। जिस तरह से मैम आप जनता के बीच जा रही हैं, तो जो अगर कहा जाए इंडिया गठबंधन की बात, धर्मेंद्र यादव जी उनके समक्ष खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है मैम यादवों का वोट किस ओर जाएगा? इंडिया अलायंस पे मुझे वैसे ही कोई भरोसा नहीं है। जब भी कांग्रेस और सपा साथ में मिली है, उन्होंने कुछ ना कुछ कुछ भी अच्छा तो किया नहीं है देश के लिए, तो उन पर भरोसा करने का कभी कोई था ही नहीं उद्देश्य। आज भी भरोसा नहीं है और देश में भी किसी को भरोसा नहीं है उन पर। लेकिन मैम पूरे वो विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि इस बार जो है मतलब भाजपा का सफाया होगा और जो है पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। सब जवाब अच्छे होते हैं, देखने चाहिए, पर हर बार पूरे नहीं होते। धन्यवाद। तो इतने हमारे साथ भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे जी, जिन्होंने जो आजमगढ़ में मौजूद हैं और दिनेश लाल निरहुआ जी के समर्थन में आई हुई हैं, उनके जनसंपर्क कार्यक्रम में जा रही हैं उनका समर्थन करने। आगे देखते हैं 4 जून को क्या होता है, किस पर ताज सजेगा, ये तो देखने वाली बात ही होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मनु तिवारी, वी न्यूज़ आजमगढ़। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।